नॉलेज दुनिया की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पर आप सभी का फिर से स्वागत है। गन्स यानी कि बंदूक की आविष्कार दुनिया की युद्ध रीतियों को बदल डाली है और पहले से अभी तक बंदूकों में बहुत सारे बदलाव आए हैं, पर बंदूक में बदलाव और उन्नति लाने की कोशिश में ऐसे भी कुछ बंदूक बनाए गए थे जो आपको हैरान कर देगा। आइए आज ऐसे ही कुछ गन्स के बारे में जानते हैं। पंड गन। 19th और 20th सेंचुरी में पंड गन का इस्तेमाल किया जाता था। ये बंदूक बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिससे डक्स, गीज और पेलिकन्स की शिकार करने के लिए बनाया गया था। लोग इस बंदूक को नाव में भी लेकर घूमते थे और डक्स दिखने पर शिकार करते थे। यहाँ तक कि इस बंदूक से एक साथ 90 पक्षियों की शिकार का रिकॉर्ड भी है। बहुत बड़ा होने के कारण पंड गन को उठाने के लिए दो लोगों का जरूरत पड़ता था। 19th सेंचुरी के बाद यूएस ने इस बंदूक का इस्तेमाल गैर कानूनी बना दिया, पर ब्रिटेन में अभी तक इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। 2mm कैलिब्री। इस बंदूक को एक ऑस्ट्रेलियन वॉचमेकर ने 1914 में डिजाइन किया था। वो एक ऐसी बंदूक बनाने की कोशिश में थे जो आसानी से छुपाया जा सके, पर अधिक छोटे होने की वजह से इसका इस्तेमाल करना असंभव हो गया। हाफ इंच की बुलेट वाला यह बंदूक आज के दौर में आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये अब एक कलेक्टर का शौक बनकर रह गया है। पेरिस्कोप राइफल। पेरिस्कोप की मदद से इस्तेमाल किए जाने वाली ये पेरिस्कोप राइफल ट्रेंच वॉरफेयर में काफी इस्तेमाल किया जाता था। इसकी मदद से सैनिक ट्रेंच के नीचे छुप के भी निशाना लगा सकते थे। 1914 की अंत में इस राइफल का प्रोडक्शन शुरू हुआ था, पर कौन सी देश इस राइफल को पहले इस्तेमाल किया था वो अभी तक ठीक से किसी को पता नहीं, पर वर्ल्ड वॉर वन में ये बंदूक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नंबू टाइप 94 पिस्टल। जापान के सर्विसमैन ने काफी मशहूर होने के बावजूद भी ये काफी भयानक साबित हुई। इस बंदूक के हिस्से इतने नाजुक थे कि खोलने पर ही ये टूट जाते थे। यहां तक कि इस बंदूक पर टैप करने से ही ये खुद ब खुद चल जाता था, जिसके कारण काफी सैनिकों की मौत हो चुकी है। हार्मोनिका गन। ये बंदूक का नाम सुन के शायद आपको ये लग सकता है कि ये एक गन कम हार्मोनिका है, पर इसकी खासियत कुछ और ही है। इसकी स्टील स्लाइड में बहुत सारे गोलाकार चेंबर्स मौजूद है। इन चेंबरों में बुलेट्स रखा जाता था जो ट्रिगर दबाने पर बाहर आते थे। ये गन पिस्टल और राइफल दोनों मॉडल्स में ही मिलता है। मिड 1800s में जोनाथन ब्राउनिंग ने इस अद्भुत बंदूक को बनाया था। डक फूट पिस्टल। 19th सेंचुरी में बनाई जाने वाली ये पिस्तौल में चार बैरल्स मौजूद था। इसे खास तौर से बनाया गया था ताकि किसी भी गैंग से आत्मरक्षा किया जा सके, पर ज्यादा वजन और हाई रिकॉइल होने के कारण इस बंदूक का इस्तेमाल करना काफी मुश्किल था। अब तक की सबसे अजीब दिखने वाली बंदूक वास्तव में सबसे ज्यादा बेकार थी। ये इतनी ज्यादा हानिकारक थी कि कभी भी सही दिशा में इसे निशाना लगा पाना संभव नहीं था। आज हम इसे सिर्फ म्यूजियमों में ही देख सकते हैं। द चैफ चैट। इसका इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध के सैनिकों ने किया था, पर यह काफी निराशाजनक साबित हुआ क्योंकि सिपाहियों को ज्यादा अग्निशक्ति वाला बंदूक की जरूरत थी और इस बंदूक में ऐसी कोई भी विशेषता नहीं थी। खराब बनावट के साथ साथ इस बंदूक से ना ही शूट और ना ही एम किया जा सकता था। ऊपर से इसकी अंदर मिट्टी जम जाने के कारण सिपाहियों ने जल्दी इस बंदूक की इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। नॉक वॉली गन। नेपोलियनिक युद्ध के दौरान इस बंदूक का डिजाइन रॉयल नेवी के लिए हुआ था। दुश्मन की जहाजों को सामने से
शूट करने के लिए इसका आकार काफी अद्भुत बनाया गया था। एक साथ इससे 7 बुलेट्स शूट किया जा सकता है, पर यह बंदूक से निशाना लगाना बहुत ही मुश्किल है और बंदूक चलाने वाला भी घायल हो जाता था। इसके साथ साथ शॉट के समय आसपास के जगहों पर आग भी लग जाती थी। डायसन ले पेटिट प्रोटेक्टर रिंग पिस्टल। जेम्स बॉन्ड से पहले यह पिस्टल काफी मशहूर थी। यह शायद सबसे छोटी वेपन है। रिंग की तरह पहने जाने वाली ये गन गैम्बलर्स यानी कि जुआरी इस्तेमाल करते थे। ये 6-shot 22 पिस्टल की तरह एक लिपस्टिक पिस्टल भी बनाया गया था, जो रशिया की केजीबी कोल्ड वॉर के दौरान इस्तेमाल करते थे। मेटल बैंड के ऊपर लगाई हुई ये गन 19th सेंचुरी में काफी इस्तेमाल किया जाता था। क्रमलोफ, नाजी जर्मनी को ये यकीन हो गया था कि उन्हें कोनों में शूट करने के लिए सफलतापूर्वक एक बंदूक मिल गई है। सोच ये थी कि बंदूक चलाने वाला छुप कर ही अपना लक्ष्य पूरा कर लेगा। इस बंदूक की बैरल कर्व शेप में बनाया गया था और कुछ ही बार इस्तेमाल करने के बाद इसकी बैरल टूट जाता था। पर असलियत में इसे निशाना लगाना तो दूर की बात, बल्कि बंदूक चलाने वाला खुद ही घायल हो जाता था। कॉकरम टरेट रिवॉल्वर। 1830 में डिजाइन किया गया यह यंत्र काफी हानिकारक साबित हुआ। अगर आप सोच रहे हैं कि यह टारगेट के लिए हानिकारक था, तो आप गलत है। मिसफायर हो जाने वाली यह बंदूक अक्सर बंदूक चलाने वालों के लिए ही मुसीबत बन जाती थी। इसे चलाने के लिए शूटर को इसका डिस्क इस तरह से घुमाना पड़ता था, जिसके लिए बंदूक की नोक शूटर की तरफ पहले हो जाती थी। इस कारण बहुत बार अंत कुछ ऐसा होता था कि बंदूक चलाने वाला खुद को ही शूट कर बैठता था। द लिमिट रिवॉल्वर। 1856 में जिन लिमिट ने इस बंदूक को बनाया था। इस बंदूक में दो बैरल्स मौजूद है। ऊपर वाली बैरल 42 कैलिबर पिस्टल राउंड्स फायर कर सकता है और नीचे वाली बैरल शॉटगन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सिविल वॉर के समय कॉन्फेडरेट सोल्जर्स में यह बंदूक काफी मशहूर था। 1865 में यह बंदूक की प्रोडक्शन बंद हो जाने के बावजूद इसे और भी कुछ साल इस्तेमाल किया गया था। आज के समय में इटली की पियना इस बंदूक की रिप्रोडक्शन मॉडल बनाते हैं। द ग्रायोजेट। 1960s में बनाए गए ये बंदूक बुलेट्स की जगह छोटे रॉकेट्स फायर करते थे, पर फायदे से ज्यादा इसके नुकसान थे, जैसे कि गलत निशाने लगाना और बहुत ही धीरे रिलोड होना। ऐसी 1000 बंदूकें बनाई गई थी। इनमें से कुछ बंदूक का इस्तेमाल वियतनाम की युद्ध में किया गया था, पर अब यह सिर्फ एक्शन मूवीज में ही इस्तेमाल किया जाता है। द गुस्तव रेल कैनन। नाजी की गुस्तव गन दुनिया की सबसे बड़ी बंदूक है। असल में ये गुस्तव एक बहुत बड़ा कैनन है, जो एक ट्रेन कार के ऊपर लगाया गया था। रेलवेज के पास फ्रेंच फोर्ट्स और एलाइड ट्रूप्स की सप्लाईज को नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। इस गुस्तव गन की वेट करीब 1340 टन्स है। इसकी इतनी ज्यादा वजन था कि इसे रेल ट्रैक्स के ऊपर चलाने से पहले डिसअसेंबल करना जरूरी था, ताकि रेल लाइंस ना टूट जाए। शेल फायर करने के लिए इसमें 3000 पाउंड की स्मोकलेस पाउडर चार्ज के इस्तेमाल किया जाता था। की गन्स। 16th सेंचुरी में बनाई जाने वाली की गन्स बहुत ही अनोखा है। ये बंदूक जेलर्स इस्तेमाल करते थे, ताकि किसी कैदी की जेल खोलने पर भी उनके पास आत्मरक्षा के लिए कोई वेपन मौजूद हो। ये गन चाबी की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था। इसे खास तौर से बनाया गया था ताकि कैदियों को इस बंदूक की असलियत के बारे में पता ना चले। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप नॉलेज दुनिया की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.